महत्व है आपकी नजर में, आप बताएं। भारतीय कृषक दल विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, आध्यात्मिक संस्थाओं, बुद्धिजीवी वर्ग, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ संपूर्ण उत्तर प्रदेश में संजीवनी वृक्षारोपण अभियान को चला। संजीवनी वृक्षारोपण अभियान का मतलब, अभी कोविड के दौरान पूरे देश ने ऑक्सीजन की कमी के कारण अपनों को खोया। उस समय ऑक्सीजन की क्या कीमत थी, ये अस्पतालों में जाकर के जिन्होंने अपनों को खोया है उनसे मालूम किया जा सकता है कि ऑक्सीजन के लिए लाखों लाख रुपया चुकाने पड़े। लेकिन जो वृक्ष हमको निशुल्क ऑक्सीजन देते हैं उनके प्रति हमारा बहुत ही नकारात्मक रवैया है। इसको लेकर के भारतीय कृषक दल ने, भाग्योदय फाउंडेशन, राष्ट्रीय कवि वेदव्रत वाजपेयी जी एवं तमाम सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से सचिव वन विभाग की भी विशेष रुचि को देखते हुए ऑक्सीजन वाले फलदार पेड़ों को भी लगाने का निर्णय लिया। इसमें अधिकतर हम लोगों का निर्णय हर संकरी पौधों का था। पीपल, पाकर, बरगद मिलाकर के ऐसा पौधा जो उच्च भी है, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हम मानते भी हैं, और वो ऑक्सीजन निशुल्क हमको कितनी देता है बताने की जरूरत नहीं है। आज हम शाहजहांपुर में हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रमोद यादव, जिले के प्रभारी राजीव सक्सेना जी ने मिलकर के इस शुभारंभ को शाहजहांपुर के गांव घर घर तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। हर गांव पंचायत में हर संकरी के पौधों को लगाया जाएगा। वन विभाग को भी हम लोग ये चाहते हैं कि वो भी कटवाने की बजाय संरक्षण पर ज़्यादा जोर दे, क्योंकि वन विभाग का रवैया थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है। यदि उसका रवैया और पॉजिटिव हो जाए तो ये करोड़ों पेड़ जो लगाने की व्यवस्था है तो हम लोगों को लगाने की जरूरत ही न पड़े। तो वन विभाग को भी इसमें आगे आकर के रुचि लेनी पड़ेगी। इस क्रम को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। साथ ही जो देश में किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उस पर सरकार का अभी तक कोई पॉजिटिव रुख न आना, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ रही है, इन सब को लेकर के भी हम लोगों ने एक रणनीति तैयार की है। 9 अगस्त को भारतीय कृषक दल संपूर्ण उत्तर प्रदेश में एक मांग पत्र सौंपेगा। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, महामहिम राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय, इसके लिए हमने आज